तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। अगर आप किसी लड़के को जलाना चाहते हैं और जलाकर उसे फंसाना चाहते हैं तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप उस लड़के को जला सकते हैं, ताकि वो लड़की जो अभी तक मान नहीं रही थी आपके इतना मनाने के बाद भी, वो मान जाए और आपके साथ एक रिश्ते में आ जाए। तो आप क्या कर सकते उस लड़के को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं ताकि वो लड़की जलन फील करे, जेलसी फील करे, उसके लिए आपने उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए सबसे पहले। क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे, आप उसके पीछे घूमते रहते थे, उसके आगे पीछे मंडराते रहते थे मधुमक्खी की तरह। अब आप बिल्कुल ही साइड हो जाइए, उसको देखिए मत, ज़्यादा भाव मत दीजिए, मैसेज का कॉल का रिप्लाई मत दीजिए। अभी तक आप उसको स्टॉक कर रहे थे, जहाँ वो जा रही थी वहाँ पीछे पीछे आप घूम रहे थे, तो ये मत कीजिए, उसको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से सबसे पहले आप उसको इग्नोर करना शुरू करिए, उसको भाव देना बंद करिए। और इससे क्या होगा, जो लड़की को आदत हो चुकी है कि आप उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, अब अगर आप उसे एकदम से इग्नोर करेंगे ना तो बाबरी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि अब आप दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट लीजिए, अदर जो लड़कियाँ हैं उनसे बात कीजिए, लड़कियाँ नहीं तो लड़कों से ही बात कीजिए, मतलब कि जो भी आपको मिले उससे बात कीजिए। उस लड़की से बात मत कीजिए, उसके सामने में आपको दूसरों से बात करनी है, दूसरों के साथ में बात करते हुए हंसना है, एंजॉय करना है। सो पहला, आप उसको इग्नोर करेंगे तो ये बौखला जाएगी, और दूसरा, जब ये देखेगी कि आप दूसरों के साथ में इतना एंजॉय कर रहे हैं, खुश है, तो ये और ज़्यादा आग बबूला हो जाएगी, जलना शुरू कर देगी। फिर इसके साथ जो तीसरा काम आप कर सकते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, उनमें इंटरेस्ट दिखाइए। और भाई, जब आप एक लड़के को इग्नोर करके उसके फ्रेंड्स में इंटरेस्ट लेते हो ना, उसकी ही सहेलियों से बात करते हैं, तो इससे लड़कियों को बहुत ही जलन फील होती है, बहुत ज़्यादा। और ये लगभग सभी लड़कियों के साथ में होता है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती कि जो लड़का आज मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो कल मुझे छोड़कर मेरी फ्रेंड्स के पीछे पड़ जाए। तो आप उसके पीछे मत पड़िए, लेकिन उसकी फ्रेंड से बात ज़रूर करिए और अच्छे से बात करिए, उसको दिखा दिखा कर इंजॉय करिए उसके फ्रेंड्स के साथ में। और भाई, जैसे उसको पता चलेगा कि आप उसकी फ्रेंड्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बुरी तरीके से जल जाएगी, जलसी फील करेगी, तो ये काम आप ज़रूर करें। इसके साथ जो अगली चीज़ आपको करनी है वो ये कि आप पहले से ज़्यादा हैंडसम दिखिए, अट्रैक्टिव दिखिए, मीन्स अपने लुक्स पर ध्यान दीजिए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए। मतलब कि आप जब भी उसके सामने में जाए तो मेक श्योर आप ज़्यादा हैंडसम दिखे, पहले से भी ज़्यादा, ताकि जब भी वो आपको देखे तो उसके मन में एक खेद हो कि यार ये इतना हैंडसम था, स्मार्ट था, लेकिन इसको मैंने भाव ही नहीं दिया, ये तो काफ़ी कूल है यार। तो भाई, उसको ये वाली फील आनी चाहिए आपको देखकर। सो पहले, अभी तक अगर आप अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब आपको देना है, अब आपको हैंडसम बनकर रहना है, खास करके जब आप उसके सामने में जाते हैं तब। इसके अलावा अदर जो चीज़ आपको करनी है वो है कि क्या आप थोड़ा सा बिजी रहें। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा वेल्ले थे, आप इधर उधर घूमते रहते थे, इससे उससे बात करते रहते थे, ऐसे करते रहते थे, तो अब ये नहीं करना है। अब थोड़ा सा ना उसके सामने में बिजी होकर दिखाइए कि आपको काम करना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिजी है अपने जॉब में, स्टडी में। कोशिश कीजिए कि उसको लगना चाहिए कि लड़का हमेशा काम करता है, बिजी रहता है। और जब आप काम कर रहे हो तब किसी को भी भाव ना दे, खास करके उस लड़की को तो बिल्कुल भी भाव ना दे, अपने काम में लगे रहे। अगर वो किसी बहाने से आए भी आपके पास में बात करने के लिए तो उसको एकदम से इग्नोर कर दीजिए और मना कर दे बात करने के लिए। बोल दे कि यार बाद में बात करता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। तो भाई, दिखाइए कि आप वेले नहीं हैं, आपके पास में बहुत काम है। आप उसके पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि आप उसको पसंद करते थे, चाहते थे, अदरवाइज आपके लाइफ में और भी बहुत काम है, तो ये चीज़ें उसको फील होनी चाहिए। और भाई, जैसे एक लड़की को ये लगता है ना कि यार ये बंदा इतना ज़्यादा बिजी रहता है, इतना डेडिकेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको खोने की वजह से वो अंदर ही अंदर दुखी महसूस करेगी, अकेलापन महसूस करेगी। और जब आप किसी और से बात करेंगे तो जलन भी महसूस करेगी और ज़्यादा जलसी करेगी। भाई, उसको जलाने के लिए जो एक और काम आप कर सकते हैं वो है ये कि जब कभी भी आपकी उससे बात होती है ना तो उसके सामने में दूसरों की तारीफ करें, वाहवाही करें, वो चाहे कोई भी हो। और भाई, जब आप किसी और की तारीफ करेंगे ना तो वो जल जाएगी, जलकर भून जाएगी, क्योंकि कोई भी लड़की पसंद नहीं करती कि उसी के सामने में आप दूसरों की तारीफ करें। और अगर आप उसके आगे उसके फ्रेंड्स की तारीफ करेंगे तो ये और ज़्यादा जलने लगेगी, गुस्से में लाल हो जाएगी, क्योंकि ये तो इससे बर्दाश्त ही नहीं होगी कि इसकी ही फ्रेंड्स की तारीफ की जा रही है आपके थ्रू। सो ये काम आप ज़रूर करें, जब भी आपकी बात हो तो दूसरों की तारीफ ज़रूर करें। इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं जिसे बहुत ज़्यादा जल जाएगी, वो है कि खूबसूरत लड़के को साथ में आप कॉन्टैक्ट बनाइए। कोई ऐसी लड़की जो बहुत प्यारी दिखती हो, बहुत सुंदर दिखती हो, ऐसी लड़की के साथ में आप रहना शुरू करिए, बात करना शुरू करिए, उसके साथ में आप फोटोज़ अपलोड करिए स्टेटस पे। और जब ये देखेगी कि आप इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़के के साथ में घूम रहे हैं ना, वैसे वैसे ये और ज़्यादा जलेगी, गंदी तरीके से जलेगी, जलकर खाक हो जाएगी वो। लास्ट में एक और चीज़ आप कर सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस लड़की पे,
वो ये कि आप उसको ये दिखाइए कि आप किसी और के साथ में रिश्ते में आ गए हैं। मीन्स एक फेक रिलेशनशिप क्रिएट कर दीजिए उसके नज़रों के आगे। उसको लगना चाहिए कि आप किसी और के साथ में बन चुके हैं, बंधन में अटैच हो चुके हैं। मतलब कि किसी और को गर्लफ्रेंड बना लिया आपने, आप उसको ऐसा फील करवाइए, ऐसा दिखाइए, और उसको ऐसा पता चलते ही वो आग बबूला हो जाएगी। क्योंकि जो लड़का कल तक उसके आगे पीछे घूम रहा था, परेशान था, आई लव यू बोल रहा था, स्टॉक कर रहा था, इसके एक मैसेज के लिए तड़प रहा था, इसके एक नज़रों के लिए मर रहा था, अब वो अचानक से ही एक अधर लड़की जो इतनी खूबसूरत है उसके साथ में रिश्ते में आ गया और इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। अब वो अपनी लाइफ में खुश है, ये चीज़ें झेल नहीं पाएगी, वो अंदर तक जल जाएगी। सो अगर आप किसी लड़की को या फिर अपने क्रश को जलाना चाहते हैं तो ये टिप्स ज़रूर आजमाइए, ये डेफिनेटली काम ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।